गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम लोग ईवीएस में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये हमारा लेसन है। आज हम इसको क्या करेंगे आपस में समझेंगे और डिस्कस हम करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ये कंजर्वेशन ये है क्या बेटा, है कंजर्वेशन ये क्या है और वाइल्ड लाइफ ये क्या है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये देखो ऊपर जो लिखा हो ना कंजर्वेशन, ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ में पहले हम आपको बताते हैं ये वाइल्ड लाइफ है क्या बेटा। देखो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, लाइफ की मीन्स जीवन। तो बेटा हमारे आसपास में जो है हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल है, मतलब जंगली जानवर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉयन हो गया, बियर हो गया, ठीक है बेटा, लॉयन हो गया, बियर हो गया, और राइनोसेरॉस हो गए, ठीक है। ऐसे बेटा बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा अगर आप देखो जैसे लॉयन है या बहुत सारे, जैसे एक आपका आता है बार्किंग डियर है ना, एक डांसिंग डियर होता है आपका, और आपके बियर होंगे, भालू वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे बेटा बहुत सारे एनिमल्स हो गए जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अभी इंडेंजर्ड हो रहे हैं। इंडेंजर्ड मीन्स नहीं, अब धीरे धीरे ये आपके क्या हो रहे हैं बेटा, अभी समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जितने भी आपके जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं बेटा, अब धीरे धीरे ये आपके समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो अब ये बहुत ही मस्ट है, हमको क्या करना है कि जितने भी हमारे इस तरह के जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि धीरे धीरे आपके विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो अब बेटा हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, मतलब इनको हमको बचाना होगा। अगर नहीं बचाएंगे ना बेटा तो आगे आने वाले लाइफ में क्या होगा, लॉयन वगैरह है या टाइगर है, राइनोसेरॉस है, ये जितने एनिमल्स हैं आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनको कंजर्व करने की क्या की, कोशिश की, ठीक है। तो बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नेशनल सेंचुरीज बनाई हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, सॉरी ये जो हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि धीरे धीरे अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, हम इनको इनमें क्या करेंगे, इनको हम लोग इनमें रखते हैं और रखकर हम इन्हें क्या करेंगे, सेव्ड करते हैं बेटा, ठीक बेटा। ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल्स भी हमारे होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग अपने घरों में पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट है ना, डॉग, बफेलो, इस तरह के एनिमल जो कि हम लोग अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अच्छा अब जरा अब देखो आपके सामने कॉलम, यहाँ पर दो टाइप के कॉलम है, एक डोमेस्टिक एनिमल्स है और एक वाइल्ड एनिमल्स के कॉलम है। अब आपको मैं एक वर्क दे रहा हूं, आप ये क्या करो, अपनी कॉपी लो और उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स के कम से कम एटलीस्ट 15 एनिमल्स के नेम लिखो, और ऐसी वाइल्ड यानी जो जंगली जानवर हैं इनके बेटा एटलीस्ट आप 15 एनिमल्स के नेम लिखकर आप हमको क्या करो, इसी ग्रुप पर इसको, ठीक है बेटा, इसको आप जो सेंड करो, ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर वर्क, ओके। तो जल्दी से बेटा हमको आप ये लिखकर सेंड कर दीजिए, ओके बेटा।